देह अभिमान से परे जाकर परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना असाधारण अनुभव कराता है। यह जीवन में अपार संतुष्टि और तृप्ति देता है। जीवन में घटित कोई अप्रिय प्रसंगों के कारण दुख, निराशा, हताशा और अशांति की जो छाप मन पर पड़ जाती है, वह प्रभु की याद से धुल जाती है। यह डिस्चार्ज बैटरी के ऊर्जा स्रोत से जुड़कर पुनः चार्ज हो जाने जैसा है। आत्मा फिर से पूर्णतः भर जाती है, ऊर्जा पूर्ण व पुनर्जीवित हो उठती है, खुशी छा जाती है। आत्मा पुनः पवित्र, हल्की और शांत स्वरूप बन जाती है। इस अवस्था में ही व्यक्ति को ईश्वर से रूहरिहान, बातचीत करने, ईश्वर को देखने और उन तक पहुंचने की सही समझ हासिल होती है। प्रायः यह माना जाता है कि ईश्वर का अनुभव करना बहुत कठिन है। इसमें कठोर श्रम व अभ्यास शामिल हैं और इसमें कई वर्ष लग सकते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि परमात्मा के साथ जुड़ने का तरीका आश्चर्यजनक रूप से सरल व आसान है। वह भगवान है, लेकिन पहले वह हमेशा एक प्यार करने वाला पिता है और इसलिए वह सदा हमारे लिए उपलब्ध है। वास्तव में परमात्मा को कई प्रकार से अनुभव किया जा सकता है। कोई समस्या हो अथवा नहीं, परमात्मा को प्यार से आमंत्रित करें। वह यही है, मुझे देख रहा है और सदा मदद करने के लिए तत्पर है। इस विश्वास के साथ हर उस परिस्थिति को स्वीकार करें जो सामने आती है। यह समय उनके वरदानों से भरे जीवन का आनंद लेने का है। उनके साथ दिल की बातें करें, मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय यह सोचें कि कैसे भगवान की शक्तियां किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती हैं। भगवान की याद में सकारात्मक सोच और आशावादिता स्वतः ही समाई हुई है, जिससे हम हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। दैनिक जीवन में ईश्वर की खोज और उनकी अनुभूति की दिशा में सबसे आवश्यक चरण है उनके प्रति पूरा समर्पण, अर्थात मन मनाभव होना और आत्म अभिमानी या आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास। भगवान की पहचान के बारे में उत्सुक होने या उनके असीमित दिव्य व्यक्तित्व को सत्यापित करने के निरर्थक प्रयास में जाने के बजाय यहीं से शुरुआत करना बुद्धिमानी है। मैं आपको पूरी तरह से जानना और आपके अद्वितीय प्यार का अनुभव करना चाहता हूं। स्वयं की सीमा को विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए इस विचार के साथ आत्मसमर्पण करें, मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे में जो कुछ अच्छा या बुरा है, सबके सहित मैं सिर्फ आपका ही हूं। अंतर्मुखी होकर शरीर के आकर्षणों और भावनाओं से मुक्त रहने के लिए ईमानदार प्रयास करें। साथ ही साथ इस तथ्य को सदा स्मृति में रखें कि मैं एक आत्मा हूं। यही आत्मिक स्थिति है। इसे ही मन की आंख या तीसरा नेत्र कहा जाता है। सचेत होकर दृढ़ता से सतत अभ्यास किया जाए तो मैं आत्मा हूं यह सजगता स्वाभाविक हो जाती है। इस चेतना की स्थिति में व्यक्ति भगवान के उस विशाल व्यक्तित्व और असीम महिमा का अनुभव कर सकता है जो सभी गुणों और शक्तियों का सागर है। यही पूर्ण रूप से परमानंद में निमग्न रहने की स्थिति है। व्यक्ति हर तरह से भरपूर हो जाता है, परम संतुष्टि का अनुभव करता है। कोई भी कर्म करने से पूर्व या कर्म करते समय, जैसे उठते, बैठते, खाते पीते आदि के समय, भगवान की स्मृति में रहने का सच्चाई से पुरुषार्थ करते रहें, सदा याद में रहें और भगवान ने जो इतना कुछ दिया है उसके प्रति कृतज्ञ बने। आप चाहें
अपनी पसंद की मुद्रा में बैठकर, चाहे फिर अन्य क्रियाकलाप करते समय ईश्वर को याद करते हैं, तो दोनों ही राजयोग की स्थिति है, अर्थात उनकी याद में रहने की अवस्था है। ईश्वरीय ज्ञान के मंथन चिंतन स्व की अनुभूति हेतु यदि दिनचर्या में एकांत अथवा संगठन में बैठकर राजयोग के लिए विशेष समय निर्धारित कर लेते हैं तो असीम शांतिदायक अनुभव होंगे। यह विश्वास कर पाना कठिन हो सकता है कि यह सब कुछ इतना सरल है, लेकिन वस्तुतः यह बहुत सहज सरल है। इसके असाधारण अनुभवों की गहराई में जाने के लिए एकमात्र चुनौती है निरंतर और गंभीर प्रयास। अनुभव की गहनता की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ईश्वर हर गुण व विशेषता का सागर है, जो इतना अधिक उनकी गंभीरता गहनता को खोजने की कोशिश करता है, उतना ही अधिक उसे परमात्मा के व्यक्तित्व की विशालता का एहसास होता है। एक संपूर्ण जीवन काल भी उनकी असीमता महिमा विशालता को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईश्वर से निकटता को अशरीरीपन के अभ्यास से बनाए रखा जा सकता है, अर्थात सदा इसी स्मृति में रहें कि मैं आत्मा देह से न्यारी हूं। इस देह से न्यारेपन का एहसास जितना बढ़ता जाता है, ईश्वर से जुड़ाव उतना ही प्रगाढ़ होता जाता है।